हाँ हट गया। क्या कुछ कर रहे क्या? टेस्ट टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट दीजिए जी। है टेस्ट का रिजल्ट टेलीग्राम पर डलवा दे, हमारा व्हाट्सएप भेजे हैं। बोलेंगे इतना विद्यार्थियों कैसे बोलेंगे जी? कुछ कुछ प्राइज के लिए पेन वगैरह भिजवाइए। ज्यादा नहीं, कुछ है विद्यार्थी को देना है ना, पढ़ाना भी है यहां पर। चलिए अभी हम लोग कुछ कर लेते हैं ना। मामला ये है कि जैसे इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का क्लास हुआ था है ना, ट्रिगोनोमेट्री जो नए विद्यार्थी है खास करके वो जान लीजिए, इससे पहले जो क्लासेस ट्रिगोनोमेट्री का लगा था वो जब ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का, तो जब एंड हुआ था तो आपका टेस्ट हुआ था है ना, तो टेस्ट में लोगों का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक है, एवरेज है, बहुत बढ़िया नहीं है, है ना। लोग फॉर्मूलाज वगैरह ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, ठीक ठाक है, बढ़िया है, कुछ लोग का सिर्फ गड़बड़ है ना। तो टेलीग्राम पर हम पीडीएफ इसका तो डलवा देंगे है ना, हम रिजल्ट यहाँ घोषणा कर देंगे है ना, दो चार दस विद्यार्थी का बताएंगे ऊपर से जो लोग हैं है ना, और उसके बाद टेलीग्राम पर डला देंगे, अपना अपना देख लीजिएगा। नाम होगा आपका, मोबाइल नंबर का आखिरी चार डिजिट होगा, अटेम्प्ट आपने कितना किया वो होगा, ट्रू कितना है वो होगा, फॉल्स कितना है वो होगा, मार्क्स कितना है सब वो आपका होगा है ना। अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी पहले कुछ सीख लेते हैं उसके बाद। देखो त्रिभुज की पहचान, मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा दे करके और कोण दे करके त्रिभुज पहचानने को कहे, तो ये पहचानने का दो तरीके यहां पर था आपका, ठीक है, पहचानने का दो तरीके था। चलो पहला यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान देंगे। जैसे शायद बताया था मैंने कि इसमें मान लेते हैं बड़ी भुजा आपका सी है, बड़ी भुजा सी है, और ये आपका दो छोटी भुजा है, कौन कौन, ए और बी है, ए और बी है, तो दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल, दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से यदि बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तो, बड़ा रहेगा तो क्या होगा आपका पता है? बड़ा रहेगा तो क्या होगा ना, बड़ा रहेगा तो क्या होगा पता है? ये न्यून कोण त्रिभुज आपका होगा है ना। सब सस्ते में निपटना चाहता है लोग है ना, कोई बात नहीं, कुछ बचेगा ही हमारा है ना। अच्छा उसमें दो दो तीन तीन कलम कर देंगे है ना, तो एवरी एंगल ईच एंगल अगर लेस देन 90 हो तो भी आपका क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज आपका होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए बड़ी भुजा की मैं बात करूं, बड़ी भुजा की मैं बात करूं तो जैसे देखिए यहां पर अगर दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में आपका समकोण होगा, और अगर एक एंगल 90 होगा तो भी समकोण होगा, इस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या था आपका? अधिक कोण त्रिभुज, या फिर एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर क्वेश्चन रहेगा, यहां पर आपका ऐसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा यहां पर देखो 11 सेंटीमीटर, फिर यहां पर रहेगा आपका 17 सेंटीमीटर, और फिर यहां पर रहेगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहेगा भुजा वाला कौन सा त्रिभुज है, आपको बताना है भुजा वाला कौन सा त्रिभुज है,
कौन सा त्रिभुज है? कुछ लोग सोच रहे हैं सर तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु मारिए ना, तो ऑप्शन में ही विषमबाहु नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। मतलब न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण में आपको आंसर करना है। तो क्या करेंगे, दो जो छोटी भुजा है कौन कौन है, 11 और 13, उसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे एक तरफ, और बड़ी भुजा 17 है उसका स्क्वायर करेंगे दूसरे तरफ। अब इसका हम करेंगे कंपैरिजन, बोलिए 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, तो 121 और 169 आ इधर करेंगे तो कितना 289 इधर हो जाएगा, इधर अलग। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पता है 290 हो जाएगा और ये 289, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, है ना। दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो गया, आप देख लो, दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो गया। तो जब जोग छोटकी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ा होता है तो कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है। याद रखना पड़ेगा ना, तो विद्यार्थी को बड़े कंफ्यूजन होता है कि ई बड़ा कि ई बड़ा, कौन में न्यून कोण, कौन में अधिक कोण, तो इसको बारीकी से याद रखना पड़ेगा, न्यून कोण त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। और वही मान लेते अगर इधर वाला बड़ा हो जाता तो फिर कौन सा त्रिभुज होता, अधिक कोण त्रिभुज, और यदि बराबर हो जाता तो फिर सम कोण त्रिभुज आपका होता, है ना, सम कोण त्रिभुज आपका होता। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा नेक्स्ट है, अगला थ्योरी नेक्स्ट, मतलब पीछे जो हम कल के क्लास में देखे उसमें यही सवाल देगा, तीन ठो भुजा देख के और त्रिभुज पहचानने को कहेगा। तो एक मैंने क्वेश्चंस लिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है। चलिए बड़े आगे इसको हटाते हैं, हमारा ये अगला पॉइंट है। क्या अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, है ना। इसका कहना है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कैसे होता है इस चीज को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, है ना, इसको आप नोट कर लिए, करिए तो जरा, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बारे में आपको बताते हैं कैसे ये चीजें होगा, इसको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे। लिख लिए, चलो ध्यान दो यहां पर, मैंने कहा किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाई एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, है ना। जैसा कि आप सभी को यह बात पता है, जैसा कि आप सभी को यह बात पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। जैसे देखिए
यहां पर ये त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है, इस वाले भुजा ए पर इस त्रिभुज का ऊंचाई है, इसको हम कह दिए ऊंचाई को, जानते हैं क्या, एच वन कह दिए, ठीक है। फिर इस वाले से इस पे हम ऊंचाई खींचे और इस वाले ऊंचाई को हम एस टू कह दिए, और यहां से इस वाले पे ऊंचाई खींचे और ये वाले ऊंचाई को हम एच थ्री कह दिए, ठीक है। क्या ये एच थ्री आपका है? देखो भुजा बीसी पर जो ऊंचाई है एच वन, भुजा एसी पर ऊंचाई है वो एस टू, और भुजा एबी पर जो ऊंचाई है वो एस थ्री आपका है। अब देखिए तो यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सारे विद्यार्थी लिखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग लिखिए। कैसे लिख सकते हैं तो देखिए, यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो सकता है, देखिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो ऐसे हो सकता है, देखो एक बटा दो और आधार ए ऊंचाई एच वन, आधार ए मतलब ये बीसी जो भुजा है उसकी लंबाई कितना दिया है, ए दिया है, तो आधार ए और संगत ऊंचाई क्या होगा, एच वन होगा। संगत ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि जो आधार आप लिए उसी पर का ऊंचाई, देखिए ना एक वर्ड उसमें लिखा हुआ था संगत ऊंचाई, कोरस्पोंडिंग हाइट, मतलब जो आप बेस लिए उसी पर की ऊंचाई को संगत ऊंचाई कहते हैं। फिर इधर से आप देख लीजिए, यहां पर एक बटा दो आधार बोलो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, आधार बी हो जाएगा, है कि नहीं बात। और जहां तक ऊंचाई की बात करें तो आपका एस टू हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो यहां पर एक बटा दो, एक बटा दो आधार कितना, सी सी, और ऊंचाई की बात करें तो एस थ्री हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आधार ऊंचाई, आधार ही लिए इस पर ऊंचाई, आधार ही लिए उसमें ऊंचाई, कोई भी आप लगाओ एबीसी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकल रहा है। क्या एक बटा दो आधार ए और ऊंचाई एच वन, कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल, एबीसी का। आधार लेंगे एसी और ऊंचाई इसी पर का लेंगे तो ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप किधर से भी आधार ऊंचाई लीजिए क्षेत्रफल एबीसी का ही निकलेगा, है ना। क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक बटा दो आधार गुना संगत ऊंचाई का मतलब होता है कि जो आप आधार ले रहे हैं ना उसी पर ऊंचाई होना चाहिए, जो आप आधार ले रहे हैं उसी पर ऊंचाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार लेंगे ए और ऊंचाई लिखेंगे एस टू, गलत बात है। आधार ए ले रहे हैं तो ए पर वाला ही हाइट लेना है एच वन, समझे। तो ए भी एबीसी का क्षेत्रफल, ई भी एबीसी का क्षेत्रफल, ई भी एबीसी का क्षेत्रफल, इसलिए हमने क्या किया इसको सेम कर दिया। अब देखो इसके बाद, इसके बाद देखिए यहां पर, यहां पर हाफ 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 क्या हो गया, कट गया आपका हाफ, तीनों में तो हमने काट दिया। अब देखिए यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना चाहते हैं तो पता है ये जो एच वन है ना वो नीचे में, देखो इन तीनों को हम के बराबर मान सकते हैं, तीनों के बराबर मान सकते हैं। अब इसको एक बार इक्वेट करिए के से, तो बोलो ए बराबर क्या हो जाएगा, के बटा एच वन। फिर इसको एक बार इक्वेट करिए के से, तो बी बराबर क्या होगा, के बटा एच टू। और इसको इक्वेट करेंगे के से, तो सी बराबर क्या होगा, के बटा एच थ्री हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना, देखो के कट गया, कट गया तो क्या हो गया, वन बाई एच वन अनुपात वन बाई एच टू अनुपात वन बाई एच थ्री आपका। मतलब जो भुजा का अनुपात होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात होगा वो उसके ऊंचाई का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली समझते हैं ना, उल्टा। तो ये चीजें आपका प्रूव्ड हो चुका है, यहां पर प्रूव्ड हो चुका है। वही तो ऊपर में आप लोग लिखे किसे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पे एक सवाल हम लोग लिखेंगे इसके बाद, क्या बोले भाई, साइड निकल जाएगा, साइड दिया रहे तो उसका उल्टा हाइट हो जाएगा, हाइट का उल्टा साइड, साइड का उल्टा हाइट,
साइड दिया रहेगा तो उलट के हाइट लिख सकते हैं, हाइट दिया रहेगा तो उलट के साइड लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखना है। और सब कुशल मंगल है सभी का, कोई दिक्कत नहीं ना है तो बोल सकते हैं खड़े होकर के। अब खड़ा होके अपना दिक्कत कौन बताएगा, नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी है। सबसे बढ़िया बचपन, बचपन से फिर बढ़िया विद्यार्थी जीवन, लेकिन अब जब बड़े और होंगे, जब मतलब 2-3 साल 4 साल और बाद फिर आपका टेंशन शुरू हो जाएगा, है ना। शादी हो जाने के बाद नहीं, ऐसे भी आपका हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा फिर भी रहेगा, जिम्मेवारी जैसे ही आया टेंशन शुरू। अभी तो आप लोग एकदम फ्री रहते होंगे, नहीं कोई टेंशन नहीं है, सब अपना माई बाप देख रहे हैं अपना जो करना है सुने। आगे बढ़ते हैं, हमारा 36 तरह का रहता है दिन भर में, है ना। आगे बढ़े अब ये मतलब बिल्कुल हाँ, और वैसे बाद में एक और बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ये वो गिनती में एक और बढ़ जाएगा और क्या, है ना। आगे बढ़े हैं, अब उसका तो एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे ना, कि टेंशन बढ़ा के घटा है ना, अभी तो अनुभव है नहीं अभी। आगे बढ़ते हैं, फिर भी झगड़ा अभी होता रहता है ना, मामला मतलब इशू क्या है, झगड़े का इशू क्या है, तो टाइम है ना। सबसे बड़ी समस्या है ना, जो हमारे पास नहीं है। आगे बढ़े, चलो एक सवाल लेते, हो गया उस सब ऐसी थोड़ा सा था ना, अब इसको ज्यादा भी नहीं कर सकते है ना, ज्यादा भी नहीं बक सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल यहां पर एक ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई आपसे पूछेगा, जैसे कहेगा किसी त्रिभुज की, लिखिएगा किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात छह है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात बताएं, तो उनके संगत ऊंचाई क्या लिखा रहा है, संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है, तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। समझे बात को, संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। तो आप देख लो यहां पर, आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है ना जी, आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो इसी का इनवर्स, भुजा का इनवर्स ऊंचाई होता है, भुजा का इनवर्स, तो देखिए इसका इनवर्स रेशियो लिखना है तो झांप विधि भी लगा सकते हैं। अगर आप रेशियो पढ़े हैं तो मैंने वहां आपको बताया होगा, और जो लोग नहीं पढ़े तो जानकारी रखिए, कोई रेशियो दिया रहेगा और उल्टा रेशियो निकालना रहेगा तो झांप विधि का प्रयोग करके बड़ा इजीली कर सकते हैं। बोलो 6 × 4 = 24 हो गया आपका, ऐसे झांप देंगे 6 × 3 = 18, ऐसे झांप देंगे 3 × 4 = 12, 6 से कट गया
तो आपका 4-3-2 हमारा आंसर हो जाए। क्या आप लोग का भी आया है? हाँ, तो जैसे भुजा का रेशियो दिया है और क्वेश्चंस कह रहा है ऊंचाई का रेशियो बताए, और हम जानते हैं भुजा और ऊंचाई एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो चलो लगा दो झांप विधि, ऐसे झांप दिए तो 6 चौके 24, ऐसे झांप दिए 6 3 18 और इसको झांप दिए 4 3 12। ये हाइडर मेथड है। कोई रेशियो का अगर उल्टा रेशियो लिखना हो तो हाइडर मेथड आप यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर लिखिए 1/3, 1/4, 1/6 उलट के लिखिए और फिर उसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए। आप बढ़े आगे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। क्या आपको याद रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजा और ऊंचाई का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा वो भाषा। हमारा अगला पॉइंट है, ये भाषा आप सभी लोग लिखेंगे। बड़े आगे। देखिए, सवाल हमारा कहता है किसी त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी का योग अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। यह ध्यान रखना है। देखिए, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, कहीं भी बिंदु रहेगा, कहीं भी रहेगा, इससे तीनों शीर्ष की दूरी, इस बिंदु को हमने कह दिया ओ, तो ओ से तीनों शीर्ष की दूरी मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये जो तीनों लंबाई होगा जिसको एक्स वाई जेड कहा गया है वो हमेशा अर्ध परिमाप से बड़ा होगा, ये इसका कहना है। कल भी इस तरह का हमने आपको कई एक रिलेशन बताया था, सब याद रखना है। किसी त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी का योग मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। देखो कैसे होता है, यहां पर इस दूरी को x कह दिया, y कह दिया, z कह दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन s। s क्या है? अर्ध परिमाप है। s जो है वो अर्ध परिमाप है, बोले तो सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर आपका है। अब इसको अगर साबित करना है तो बड़ा इजीली आप कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप बारी बारी से तीनों त्रिभुज में चलिए। आप चलिए त्रिभुज जानते हैं किसमें, ए ओ बी में। आप चलिए ए ओ बी में। क्या मैंने कल के क्लास में पढ़ाया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है? किसी त्रिभुज के दो भुजा का योगफल, कोई भी त्रिभुज में आप चलो, पक्का दो को भुजा को जोड़ने पर तीसरा से बड़ा होगा। तो आप इस वाले ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल ए ओ बी में, बोलिए दो भुजा है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, क्या तीसरी भुजा से बड़ा होगा? तो तीसरी भुजा ए बी है, तो ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर एक हो गया। फिर आप चलो इस वाले ट्रायंगल में, जिसमें हम टीके यहां पर करते चल रहे हैं, बी ओ सी में, बोलिए दो भुजा कौन कौन है, वाई और जेड। तो बताइए दो भुजाओं का योगफल, क्या तीसरी भुजा बी सी से बड़ा होगा? तो बी सी से बड़ा होगा। ये हमारा दो नंबर इक्वेशन हो गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल में चलो, ये भुजा क्या है, जेड प्लस एक्स, त्रिभुज एओसी में जेड प्लस एक्स दो भुजा है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा आपका। दो भुजाओं का योगफल
तीसरी भुजा एसी से बड़ा होगा, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, फिर वापस यहां पर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो आप बताइए, जब इधर जोड़ेंगे तो x दो बार जुटेगा, y दो बार जुटेगा, z दो बार जुटेगा, यानी 2x plus 2y plus 2z हो जाएगा। 2 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x plus y plus z हो जाएगा, ग्रेटर देन। इधर जोड़िएगा तो क्या होगा, ab plus bc plus ca या ac कह सकते हैं ना। अब बोलो यहां पे हो गया x plus y plus z हो गया, है ना, ग्रेटर देन, और जो 2 है ना गुना में, वो कहां इधर आएगा, भाग में। तो आपका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटा में 2 हो जाएगा। अब आप हमको बताइए जी, यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा ई बताओ क्या है, त्रिभुज का तीनों भुजा है ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी त्रिभुज का तीनों भुजा है, जोड़ दिए तो होगा परिमाप, परिमाप में 2 से भाग दिए तो अर्ध परिमाप, इसी को नहीं एस कहते हैं, एस इसी को हम कहते हैं, प्रूव्ड हो चुका है। आप देख लीजिए यहां पर, देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को क्या कहते हैं, परिमाप, और जैसा ही उसका आधा किए तो इसका नाम हो गया अर्ध परिमाप। देखो ये चीजें साबित हो चुका है, और किस प्रकार साबित होगा वो आपके सामने है। जो चीजें साबित करने के लिए हमने यूज किया वो कल के क्लास में हमने पढ़ा रखा था आपको, कल त्रिभुज का मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, बस उसी का यहां पर यूज किया गया है। कुछ कहना है किसी को बोलिएगा, सब याद रखना है सब, यही तो बात है, एडवांस मैथ बढ़िया करना है तो ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपका, फॉर्मूलाज बहुत सारा इसमें मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, चाहे जो भी चैप्टर एडवांस का आपका। बढ़े आगे, चलो इसके बाद आगे बढ़िएगा यहां पर। हटाएं इसको, ये सब स्पेस नहीं देता, ऊपर वाला देखना, नीचे वाला नहीं देखना। देखिए हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा है, देखिएगा यहां पर एक त्रिभुज है, उधर थोड़ा सा लंबा कर दिया उधर से, है ना। अब देखो यहां पर ये ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया आपका, ठीक है, ए बी सी कह दिया। अब देखो यहां पर कोण ए है, कोण ए है तो शीर्ष ए से हमने यहां पर लंब खींच दिया, शीर्ष ए से हमने इसमें लंब खींच दिया ए डी, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो कोण है ना, कोण जो है इसका समद्विभाजक खींच दिए, समद्विभाजक खींच दिए, उसका नाम हो गया ए। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना कोण है ए था ना, और दो बराबर पार्ट में क्या किया, ए बांट दिया, यानी जितना डिग्री इधर उतना है डिग्री इधर। तो हमने यहां पर दो चीजें खींचा है, एक खींचा है आपका ए डी शीर्ष लंब, और दूसरा खींचा है ए बाईसेक्टर, एंगल बाईसेक्टर हमने ए खींचा है।
अब सवाल कहता है कि शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण त्रिभुज के अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। बात समझिएगा, यहां पर शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण त्रिभुज के अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। यह ध्यान रखना है, त्रिभुज के अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। जैसे यहां पर ये जो कोण है ये क्या है, देखो शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण है, कौन सा कोण, डी ए ई, है ना, डी ए ई, डी ए ई। और ये जो आपका होता है ना शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है वो अन्य दो कोण, त्रिभुज का अन्य दो कोण कौन हो गया, बी और सी। अरे त्रिभुज का कोण ए का तो बाइसेक्टर खींचा गया, ए से तो शीर्षलंब में खींचा गया, तो अन्य दो कोण में बी और सी हो गया, और इसके अंतर का आधा होता है। मतलब क्या करेंगे, कोण बी में से कोण सी को घटा के और आधा कर देंगे। और यहां पे देखो मोड हम लगाएंगे, मोड इसलिए लगा रहे हैं हो सकता है कोण बी छोटा हो जाए कोण सी बड़ा हो जाए, तो बड़ में फिर छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। इन दोनों का अंतर, तो जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे को आप घटाइएगा और उसका आधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही कहता है यहां पर ही, पढ़िए ना, शीर्षलंब मतलब एडी एल्टीट्यूड, एडी देखो शीर्षलंब है, और कोण समद्विभाजक जिसको अंग्रेजी में एंगल वाइज सेक्टर कहेंगे, तो एंगल वाइज सेक्टर कौन है, ए ही है। शीर्षलंब मतलब देखो सिर से डाला गया लंब है, अब कोण समद्विभाजक ए ही है जो पूरे कोण ए को दो बराबर पार्ट में बांट रही है, के बीच का कोण शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण, बीच का कोण त्रिभुज के अन्य दो कोण, तो अन्य दो कोण कौन हो गया, बी और सी के अंतर का आधा होता है, अंतर का आधा होता है। अब जैसे सवाल में दिया रहेगा, यहां दिया रहेगा 30 डिग्री और यहां दिया रहेगा 10 डिग्री, तो क्या करेंगे, 30 और 10 का अंतर करेंगे 20, और 20 बटा 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा हमारा आंसर। किसके किसके बीच का कोण ऐसा होगा, तो शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण आपका होगा, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण। कहीं ना तो कोई डाटा हम बैठा के आपको दिखा दे रहे हैं, देखो थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा नजर इधर डालिए, यहां पर कुछ लिख दिए, कुछ लिख दिए, चलो 60 लिख दिए यहां, क्या यहां लिख दिया 40 लिख दिए, दिया हुआ है कितना कितना दिया, 60 और 40, तो अगर रिजल्ट लिखना है तो 60 40 का अंतर 20 का आधा 10 हो जाएगा आपका। लेकिन 10 देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे हो रहा है, सुनिए इधर, ये 60 और 40 तो कितना हुआ 100, तो ये पूरा 80 होगा, क्या पूरा ही 80 होगा, तो 80 में देखो, 80 में देखो, 80 में देखो, ई पूरा कितना होगा 40, 40। अच्छा एक बात और बताइए सब लोग कि ई है 90 डिग्री इस वाले त्रिभुज में, ए कितना 90, अरी कितना, तो 90 और 60 150, तो क्या इतना 30 हो जाएगा, आई आधा 40 है, अरे पूरा 60 40 100 तो पूरा 80, अब 80 में जैसे ही एंगल बाइसेक्टर खींचे तो 40 40 में बट गया, सोचो जरा ये पूरा कोण कितना 40 और 40 में ही कितना 30, तो क्या ये 10 डिग्री नहीं होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर इन दोनों के अंतर का आधा करिएगा तो 10 आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे, फिर से, ये 40 और ये 60 है ना, तो आप बताइए लंब है तो ये 90 और ये 60 150 तो ये कितना 30, आई 60 40 तो पूरा 80, कोण ए 80, लेकिन ये बाइसेक्टर खींचे तो 40 और 40 में बट गया, तो बोलो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना 40, जेकरा में ये कितना 30, तो ये कितना 10 हो जाएगा आपका। तो यही जो 10 आप इतना कर रहे हैं वही 10 का शॉर्ट तरीके है कि इन दोनों का अंतर का आधा होता है, किसके किसके बीच का कोण, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, अब अगर याद नहीं रहेगा तो जैसे हमने समझाया वैसे फिर निकालिएगा।
शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है, इस बात का ध्यान रखना। इस पर सवाल बनता है जी, इस 60-40 वाला आपके बुक में सवाल है जो मैंने भी यहां पे लिख के समझाया आपका, 60-40 वाला आपके बुक में भी सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आंसर 10 हुआ करेगा आपका, 60 में से 40 घटाओ 20 बटा दो 10 आंसर। बस याद रखना किसके किसके बीच का कोण, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है, ये लिख लेना है, फिर फोटो बना लेना है, रिजल्ट लिख लेना है। अगला पे हम बढ़ेंगे, बड़े आगे चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ पूछना है किसी को बोल सकते हैं, हाँ भाई कहिए। बीसी को दो बराबर भाग में ए ही बांटेगा, मतलब आपके कहने का अर्थ यह है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। आप यही नहीं कह रहे हैं कि जो ए ई आप खींचे ना तो बी ई ई सी बराबर बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक खींच देंगे तो सामने वाले भुजा दो बराबर भाग, अभी तक मैंने कहा है क्या? अभी तक नहीं कहा है, आगे तुरंत आ रहा है, एक से दो मिनट बाद आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वहां पे पता चल जाएगा ये दो बराबर भाग में नहीं बंटता है। जिस रेशियो में ए बी और ए सी होता है ना उसी रेशियो में बंटता है, अगर ए बी और ए सी बराबर होगा तब बराबर बराबर बटेगा, अगर एक अनुपात दो में होगा तो भी एक अनुपात दो में बटेगा, ऐसा कुछ स्कीम नहीं है कि बराबर बराबर बंटता है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं ऐसा कुछ कराया है, और ऐसा होता भी नहीं कि कौन समद्विभाजक खींचेंगे तो ये भी समद्विभाजक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलो इसको सिर्फ छाप लेना है, इसको कोई प्रूफ करने का जरूरत नहीं, याद रखना है इसको। तीनों ऊंचाई का योगफल परिमाप से क्या होता है या भुजाओं के योग से कम होता है, फोटो बना लेंगे, ये लिख लेंगे यहां पर। किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई का योग भुजाओं के योग से, भुजाओं के योग को चाहे तो आप परिमाप कह सकते हैं, परिमाप के योग से कम होता है। किसी त्रिभुज में यह सब लागू होता है, कोई भी ट्रायंगल आप उठा लो। मोड नहीं लगाए भाई, अब बी और सी में पहलका में वो सब ध्यान रखा करिए, वो गलती हो जाएगा फिर, वो समझा फिर दूसरे लोग देखेगा तो कहेगा गलती पढ़ा दिया मास्टर। आप भी नहीं लगाए मोड जी, मोड से डर लग रहा है, कहाँ लगाए मोड? चलिए दो को यहीं पर देख गया, बीच में अनेकों जगह होगा ऐसा मोड नहीं लगा होगा, हाँ पीछे भी होगा है ना, ऐसे भी बैक बेंचर जो होता है तेज विद्यार्थी होता है ना, हाँ हम भी पीछे ही बैठते थे वो खैनी खिलाते थे ना, अब बड़ा वो बलिष्ठ था, वो मारता था वो है ना, नहीं बना के खिलाएगा तो पीटने लगता था।
हम लोग दुबले पतले आदमी थे ना, तो उसको बना बना खिलाना पड़ता था। और उसको मास्टरों साहब से कांटेक्ट था, वो अपने तो खैबो करता था, वो बाहर जाने के वाले पीछे से पकड़ा भी था मास्टरों साहब को, है ना। बताइए। हाँ, थोड़ा उम्र दराज था लड़का, है ना। अब पढ़ता नहीं था तो वही क्लास से वही क्लास में रहता रह रहा था, और क्या, है ना। हम लोग जो है 8 से 10 में चल गए, वो 10 का 10 में पढ़ा हुआ है कई एक साल से, है ना। लेकिन अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है अभी, है ना। अब पैसा पूंजीपति था, है ना, तो ठेकेदारी कर रहा है अपना, है ना, सड़क तड़क देश डेट में अपना कमा रहा है, बढ़िया, है ना। भेंट मुलाकात होता है, फोन फान में बात होता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा मित्र था, वही बैच का था, उसका कल यूपीएससी फाइनल हो गया है आपका, है ना। अब बड़ी बात है, जानते हैं, वो पहले मेडिकल क्वालिफाई था आपका, एम्स में वो डॉक्टर था दरभंगा में, आपका प्रेम कुमार नाम है उसका। और वो जो है फिर रिजाइन कर दिया डॉक्टर से, बोला कि यार इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, है ना, या फिर कह सकते उतना इसमें नेम फेम नहीं है। फिर बोला यूपीएससी का तैयारी करेंगे, है ना। लगभग 2 साल से लगा हुआ था, इस बार फाइनल कर लिया। लेकिन इस बार बोल रहा है कि भाई आईएएस नहीं मिल पाएगा, आईपीएस मिल पाएगा। शायद 633 रैंक उसका है, 633 या 43 ऐसे कुछ, देख के बताएं क्या। हमारे पास भेजा है सारा रिकॉर्ड, है ना। बोल रहा है कि आईपीएस या आईआरएस मिलेगा, आईआरएस भी उसमें होता है आपका। हाँ, तो बोला कि आईएएस नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉमिस किया हमसे कि भाई अगली बार। हाँ, 677 रैंक है, सॉरी 677 है आपका। बोला अगली बार भाई प्रॉमिस करते हैं, तुमसे वादा करते हैं, आईएएस बन के दिखा देंगे, है ना, अगली बार आपका नेक्स्ट टाइम। और वो जानते हैं बहुत ब्रिलियंट था उसी टाइम में, रियल में था, ब्रिलियंट था आपका, है ना। और मतलब हम लोग शुरुआत से ही जानते बहुत कुछ अच्छा करेगा, है ना, किया। और उसमें एक वो भी था जो खैनी खिलवाता था, है ना, और वो दबंग टाइप का था, है ना। ये जो अभी अभी जो यूपीएससी निकाला है ना, इसका कॉपी हमारा कॉपी जबरदस्ती छीन के एग्जाम में लिख लेता था, पहुंचा देता था आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो पास करता था, ऐसी बात नहीं है ना। मास्टर साहब जो अगर कॉन्टेक्ट में था तो स्कूल में नंबर उसको मिल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग, है ना, किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है, भुजाओं के योग से कम होता है, ये बात यहां पर है। तो आप जरा देखिए ना, यहां पर भुजाओं के योग से कम होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जैसे आप ऊंचाई ले लो AL, दूसरा BM और तीसरा CN। देखिए, ये है तीनों ऊंचाई का योगफल, ये हमेशा भुजा के योग से, भुजा या फिर इसको आप परिमाप कह सकते हैं, परिमाप से क्या होता है, कम होता है। तीनों ऊंचाई जोड़िए और तीनों भुजा जोड़िए, हमेशा भुजा का योगफल क्या होगा, बड़ा होगा, और ऊंचाई का योगफल क्या होगा, छोटा होगा। इसका यूज क्या है, जानते हैं, सवाल कभी कभी वन लाइनर में पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों ऊंचाई का योगफल भुजाओं के योग से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, ये आपका एक दो बार पूछा गया है। तो बस ये रिलेशन को याद रखना है, बाकी सवाल बनाने में इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए ज्यादा समय इस पर नहीं देना है, बस ये भाषा ध्यान में रखना है। चलिए, यहां पर हमारा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, हमारा है अगला, पता है क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगला है हमारा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सब लोग हेडिंग लगाइएगा। इस थ्योरम से अभी लेटेस्ट में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको हम प्रूव भी करके आपको दिखा देंगे, है ना। देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको कहेंगे हम कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय। एक दो हमारा जो बैचमेट है क्लास भी अभी तक करता है ना,
वही वही उसको कहते हैं कि देखो पढ़ता लिखता नहीं था उस टाइम में, है ना। अरे कोई बैच में, कौन सा बैच में आता है? अरे आता है, बैचमेट है तो आते हैं, क्यों कहेंगे, है ना। बैचमेट है हमारा, मैट्रिक तक हमारा साथ पढ़ा है ना। तो अभी तक कोई कोई विद्यार्थी देख रहेगा यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, हम मास्टर बन गए, है ना। बहुत सारा बीटेक वगैरह करके आपका इंजीनियरिंग में चला गया, कुछ कुछ मेडिकल में भी आपका गया है ना। अब कुछ कुछ अभी कंपटीशन का तैयारी हमारे पास कर रहा है ना, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहा है अभी। तो यही सब कर्म का फल है ना। सही टाइम पर सही तरीके से कर्म करिएगा तो सही परिणाम मिलेगा, है कि नहीं बात। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही करिएगा तो मिल सकता है ना, उसमें भी सचेत हो जाइएगा तब, लेकिन देर से मिलेगा आपका। तो ये सब ध्यान रखा करिए, है ना, दबा के मेहनत किया करिए। तो हमारा विचार रिजल्ट बता देते हैं थोड़ा, है ना। हाँ, इसको प्रूफ करने लगेंगे तो टाइम चला जाएगा, और रिजल्ट हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पास टेलीग्राम पर नहीं डाले अभी, अभी मत डालिए, वो हमको बता, फिर पहले ही आउट हो जाएगा। हाँ, उसको हटा दीजिए, है ना। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी मिलेंगे हम नेक्स्ट के क्लास में यहाँ के बाद, ठीक है। बाकी कुछ बात विचार हमको ऑफलाइन वाले से करना है। बाय।